हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को पढ़िए। एंड दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। जो बीपीएससी टीआई 2 में मैंने 80 कोर्स वीडियोज बनाए हुए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, और सभी टॉपिक पर पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, उस सारी वीडियोज का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब मैं उतना समय नहीं निकाल पा रही हूँ जिससे इंग्लिश से हिंदी दोनों में बना सकूँ। फिर भी मैं आगे कोशिश करूँगी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो रहे। फिर भी उस सारी वीडियो प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इतने सारे प्रैक्टिस कराया हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, मेरे साथ बने रहिए। डेली बेसिस पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक भी चीज फालतू की चीजें नहीं होती है, केवल आपके से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होती हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, संधियों यानी जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑर्थोलॉजी बोला जाता है, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ अक्ष की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, प्लेन यानी कि तल की बात कर रहा है। अक्ष यहाँ पे गलती से लिखाया हुआ है, तो आप इसको अक्ष को तल यानी प्लेन पढ़िए। तो कौन सा प्लेन जो मानव शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है? तो तीन प्रकार के प्लेन होते हैं, यानी तल, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जो है, जिसको लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति जो है दाएं बाएं यानी एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट होता है। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, सभी रोटेशन और इलेवेशन मोमेंट्स होता है। तो यहाँ पे पूछा है शरीर को ऊपर नीचे भागों में कौन सा प्लेन बांटता है, तो वो हो जाए है हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे अच्छ अच्छ लिखा हुआ है दोस्तों, अच्छ को प्लेन पढ़िए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिस प्रिंट है। नेक्स्ट है, वह अच्छ जो मानव शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, यहाँ भी अच्छ मत पढ़िए, प्लेन पढ़िए। वह प्लेन शरीर को आगे पीछे भागों में कौन सा प्लेन बांटता है दोस्तों? वह होता है आपका फ्रंटल प्लेन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव रुधिर कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? दोस्तों, अम्लीय क्षारीय का पता पीएच मान से, पावर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलता है। जैसे कि एक से लेकर जो है छः आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, और छः से कम है तो अम्लीय रहेगा, छः से ज़्यादा है तो क्षारीय रहेगा, तो छः उदासीन रहेगा। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक होता है, इसका मतलब कि रक्त कैसा है? क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कौन होता है? दोस्तों, मैं कई बार आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ हूँ। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तीन भागों में बांटा गया है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन के कई भाग होते हैं, तीन भाग, फ्रंटल ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फ्रंटल ब्रेन होता है उसमें हमारा प्रमस्तिष्क होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है, बुद्धि, सोचने समझने का केंद्र हमारा प्रमस्तिष्क होता है यानी सेरिब्रम। एंड जो हमारा थैलेमस होता है, ठंडा, गर्म, दर्द का अनुभव कराता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, वो होता है आपका सभी भावनाओं का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सभी भावनाओं का केंद्र होता है। उसके अलावा ताप नियंत्रण केंद्र होता है, हार्मोन पर नियंत्रण करता है, एंड जल संतुलन केंद्र होता है, एंड भूख प्यास लगने का केंद्र होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपापचय जैसे कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन में। एंड मध्य ब्रेन में होता है हमारा कार्पोरा क्वाडी जेमिना एंड सेरेब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाडी जेमिना जो है हमारे देखने या सुनने की क्षमता को निर्धारित करता है। और हिंड ब्रेन यानी कि पश्च ब्रेन में हमारा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स ब्रेनी, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों, जो सेरिबेलम होता है हमारे शरीर की गति,
संतुलन बनाए रखता है। और जो मिडिला ब्लांकेटा होता है वो हमारे वाइटल फंक्शंस यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करता है, जैसे कि पाचन तंत्र, हृदय धड़कन, श्वसन तंत्र आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मिडिला ब्लांकेटा। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्य परिकल्पना वह होती है, ये थोड़ा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से 2-4 क्वेश्चंस हैं। तो शून्य परिकल्पना होती है दोस्तों, शून्य परिकल्पना जो है केवल द्विपुच्छ परीक्षा द्वारा परीक्षित होती है। नेक्स्ट है चरु का नियंत्रण किया जाता है, तो चरु का नियंत्रण जो है क्षैतिक अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट है अप्राचलिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है, तो अप्राचलिक परीक्षण जो है वर्णन और अनुमान के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन कौन सा परीक्षण है, तो यह परीक्षण स्मृति यानी मेमोरी परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो दोस्तों कब गाया गया था, तो भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार 1948 लंदन ओलंपिक में गाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, मीसोमॉर्फी यानी कि मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है, तो शेल्डन ने 3 बॉडी टाइप बांटा हुआ है, एंडो, मीसो एंड एक्टोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी गोलकाय बॉडी होता है जिसको हम बिस्ट्रोटोनिक कहते हैं, गोला थुलथुला बॉडी होता है। एंड जो मेसोमॉर्फिक होता है पेशी प्रधान संरचना मजबूत बॉडी होता है। और जो तीसरा एक्टोमॉर्फिक होता है वो अस्थि प्रधान संरचना यानी दुबला पतला कमजोर सुंदर शरीर होता है। तो दोस्तों जो एंडोमॉर्फिक थुलथुला मोटा होता है वह स्ट्रेंथ वाले पावर लिफ्टिंग एंड गोला फेंक ततरी फेंक में कुश्ती में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो मेसोमॉर्फिक होते हैं पेशी प्रधान मजबूत बॉडी वाले वो सभी चीज़ें में स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पीड सभी में अच्छे होते हैं। एंड जो अस्थि प्रधान एक्टोमॉर्फिक होते हैं ये सेरेब्रोटोनिक यानी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ये सहनशीलता वाले खेलों में एंड जिम्नास्टिक आदि में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मीसोमॉर्फिक मध्यम गठित यानी कि मसल्स प्रधान बॉडी है, मजबूत बॉडी यानी कि मांसलता और ताकत यहाँ पे राइट होगा। दोस्तों अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, बारीकी से पर ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि कृशकाय आकार यानी एक्टोमॉर्फिक बॉडी क्या है, अस्थि प्रधान संरचना, दुबला पतला शरीर, वसा रहित है यानी कि मांसपेशी हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित ऊतक वाला शरीर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और तब उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्न में से किसका विचार किया जाता है, तो दोस्तों उसके भार और उसकी लंबाई का अध्ययन किया जाता है शारीरिक रूपरेखा के लिए। तो क ख दोनों जैसे BMI से हमारे शरीर के वसा को ज्ञात किया जाता है कि वो अंडरवेट है कि ओवरवेट है कि नॉर्मल है गुड है। तो दोस्तों जैसे कि आपका वेट इन केजी, जो वेट होता है भार होता है केजी में, एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर से BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फ की पहचान क्या है, तो एंडोमॉर्फ मोटा थुलथुला बॉडी वाला होता है, ठीक है, गोलकार शरीर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिताएं पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी बनावटी सतह यानी जैसे घास दिखाई देती है पर कहाँ आयोजित किया गया था, तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था सबसे पहले। और सिंथेटिक ट्रैक जो होता है दोस्तों उसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक्य यानी मोटो सीटियस आरडियस फोर्टियस क्या क्या अर्थ है, तो बार बार बताया गया है कि अब एक और जुड़ गया है कम्युनिटर, तो अब बोला जाता है सीटियस अर्लियस फोर्टियस कम्युनिटर यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर यानी और तेज और ऊंचा और बसाली एक साथ, ऐसे पढ़ा जाएगा आसानी से आप आंसर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ सीटियस अर्लियस फोर्टियस में ऑल्टियस का बात कह रहा है यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी कि सीटियस ऑल्टियस यानी कि हायर यानी कि उच्चतर होगा ऑल्टियस का अर्थ। नेक्स्ट दोस्तों ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटियस आरटियस फोर्टियस और तेज और ऊंचा और बलशाली यानी शक्ति भरपूर प्रयास करना है, वाक्य किसने दिया है, तो इसको हेनरी डिरान ने दिया हुआ है।
नेक्स्ट है मधुमेह यानी कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है, तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। जब बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं और जिसे हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है। और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, तो जिससे शरीर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है व्यायाम किसके वजन में वृद्धि करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है किन रक्त कोशिकाओं में नाभि केंद्र यानी केंद्रक नहीं होता, तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है और श्वेत रक्त प्लेटलेट्स कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में कौन बाह्य स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं और अंतः स्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये तीनों के तीनों अंतः स्रावी यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि है जो हार्मोन स्रावित करती है, जो सीधे रक्त में जाके मिलती है, कोई नलिका नहीं होती है। वह स्रावी ग्रंथियां जो है एंजाइम स्रावित करती है, जैसे हमारा यकृत हो गया, लार ग्रंथि हो गया, तो एंड अमाशय, अग्नाशय, ये सभी वाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, तो उसमें नलिकाएं होती हैं जो डायरेक्ट रक्त में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे लार ग्रंथि जो है वह वाह्य स्रावी ग्रंथियों में होती है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरेटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, जो टैलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम स्रावित करती हैं। टैलिन नामक एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये मुख से स्रावित होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संयोजक उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे को बांधे रखती है, जो हमारा बोन हो गया एंड उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, तो ऊपर सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रेनिंग साइकिल जो है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण चक्र तीन होते हैं, माइक्रो चक्र, मेजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो एक साल का होता है, 3 से 12 महीने का, जिसको ट्रेनिंग योजना चक्र भी कहते हैं, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है। दूसरा होता है मेजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 महीने का होता है। मेजो चक्र को तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र अवस्थान चक्र भी बोला जाता है। और तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। माइक्रो चक्र को सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि साप्ताहिक चक्र का दूसरा नाम क्या, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो साप्ताहिक चक्र है। नेक्स्ट है अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहा जाता है, तो अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहा जाता है, वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो माइक्रो चक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित हुई थी, दोस्तों तो ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है दोस्तों किस सन में स्थापित हुआ था, और इसमें भी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, आप कोई भी याद होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है, यह कथन किस सिद्धांत को प्रकट करता है, दोस्तों तो यह परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत को प्रकट करता है। जैसे कि खेल प्रशिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना चाहिए, यह कथन किस सिद्धांत का आधारित है, यह भी है परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत पर। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में क्या विषम है, एचिलीज टेंडनाइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन, दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है वो लिगामेंट्स, टेंडन एंड मसल्स की चोटें हैं जो कोमल ऊतक की चोटें हैं, जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है कठोर ऊतक की चोटें हैं, इसलिए यह स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो विषम है। नेक्स्ट है दोस्तों
रिफ्लेक्स एक्शन का संबंध निम्न में से किससे है? रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संबंध किससे है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, लंबे समय की गठिया में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों आयुर्वेद को आप जानते हैं, ये आयुर्वेद जो है इसमें औषधियों के बारे में बताया गया है, तो आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते थे? तो वे थे दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, जो यूनान के थे। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान के विषय के प्रति थी? तो वो था देश यूनान, यूनान से ही सभी चीजें जन्मी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है किनेसियोलॉजी का पिता, गति विज्ञान का पिता। नेक्स्ट है, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न चिकित्सक बीमारियों की इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता है? तो कौन देते हैं? तो हेरोडिकस देते हैं, हेरोडिकस देते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो आप सबको पता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें खोखला भाग होता है जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, उसी खोखले भाग में अस्थि मज्जा होता है जो उससे रक्त का, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और दोस्तों जो भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि भ्रूणावस्था का जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण प्रमुख कार्य है? लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे जो हमारा खाते हैं, जो हम खाना, जो हम पोषण लेते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के फिर उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो है एटीपी बनाता है, जो हमें कार्य करते वक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एटीपी के रूप में हम उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का संवहन इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों WBC का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोगों से बचाता है, दोस्तों रोगों से बचाव इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? दोस्तों 6.5 मीटर यानी कि 22 फीट होती है छोटी आंत की लंबाई। नेक्स्ट दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एंड रेनिन नामक रस भोजन में कहाँ पे विलय होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? दोस्तों अमाशय यानी स्टोमच यानी पेट में जो है, जो जठर रस होती है जिससे HCl एंड पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइफेज नामक हार्मोन एंजाइम स्त्रावित होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एक तेजाब जैसा होता है, एसिड होता है, जो भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर एंड जो बैक्टीरियाज होते हैं उस सबको मार देता है और भोजन को पीस देता है, एक प्रकार से लुगदी बना देता है। एंड जो रेनिन होता है दूध का पाचन करता है, एंड पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वह वसा यानी कि फैट को फैटी एसिड ग्लिसराल में बदल करके बदलता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पित्तरस यानी कि बाइल जूस का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, इसका स्टोर होता है गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में, और जा करके मिलता है पित्ताशय नली जो है वह छोटी आंत के पहले भाग डोडिनम में, अग्नाशय और नली और पित्ताशय नली दोनों जुड़ी रहती है। जो पित्तरस जो है वसा का पाचन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल करके लाइपेज एंजाइम के साथ मिल करके। नेक्स्ट दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर का भार कितना होता है? तो यकृत और लीवर का भार होता है 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? दोस्तों तो 12 से 20 बार लेता है श्वास, और यदि वह कोई अभ्यास कर रहा है तो 40 से 50 बार उस समय हो जाता है, और वह अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित खिलाड़ी हो गया, प्रशिक्षित व्यक्ति हो गया, तो 8 से 10 बार नॉर्मल सांस लेता है।
नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों जो PNS होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तीन प्रकार का होता है, CNS, PNS, ENS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ENS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो 43 जुड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 12 जुड़े हमारे दिमाग से कॉग्निथन नाड़ी निकलती है और 31 जुड़े स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नाड़ी निकलती है। तो यहाँ पे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं कहा है, तो 12 जुड़े निकलती हैं। नेक्स्ट है, मेरु तंत्रिकाओं में कितने जुड़े होते हैं? तो मेरु तंत्रिकाओं में 31 जुड़े होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1450 सीसी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1450 सीसी नहीं दिया है, यहाँ पे आपका पौन ओंस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 49 ओंस। नेक्स्ट है, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला हुआ है? दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर जो है ओलंपिक का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो भारत में इंदिरा गांधी को दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, BMI क्या मापता है? BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, यह शरीर की वसा को मापता है कि आप जो है अंडरवेट है कि ओवरवेट है कि नॉर्मल या गुड है। इसको फार्मूला होता है BMI ज्ञात करने का, वेट इन केजी अपॉन मीटर इन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों, OCOG क्या है? OCOG क्या है? तो दोस्तों OCOG जो है वह ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश की एक संस्था है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया दोस्तों कि आपको बोरिंग महसूस ना हो, सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाए दोस्तों, क्योंकि सभी थ्योरी सेशन तो मैंने पूरा कर ही दिया है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जहाँ भी ज़रूरत होता है मैं कर देती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ गलती होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।